फेज में आपने भाव संधि पे चले जाना है, जो कस्प कस्प चार्ट है ना, जो फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक जो कस्प को सिग्निफाई करता है जो चार्ट, उसमें आपने चले जाना है। जैसे यहाँ पे हाउस डिवीजन लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट से लेकर 12th हाउस, इन सब के सामने यहाँ पे तो एक्यूरेट डिग्रियाँ निकल के आ गई हैं, लेकिन एस्ट्रोसेज में आप लोगों ने हाउस की जो प्रॉपर जो हाउस की डिग्री होती है कि कौन सा हाउस कितने डिग्री चला हुआ है, उस हाउस की जो प्रॉपर डिग्री निकल के आएगी वो आपने नोट करनी होती है। वो मैन्युअली आप कैसे निकालते हो? सबसे पहले जो सूत्र है, सूत्र लिखेंगे कंपाउंड डिग्री निकालने का, फॉर्मूला कस्प भाव की जो कंपाउंड डिग्री है उसको निकालने के लिए D1 चार्ट में 1 से लेकर 12th हाउस जो डिग्रीज है, जैसे आपके चार्ट में सेकंड कस्प में आप देखना वहां पे क्या कितने डिग्री निकल के आई है, एस्ट्रोसेज में चेक करो, बताओ मुझे। 40 डिग्री, जी 40 डिग्री, 23 जी कला जी और 18वीं आपने कला। ओनली डिग्री को बोलना है और जी फॉर्मूला लिखो, जो जो भी डिग्री आती है आपने उसको 30 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक साइन 30 डिग्री का होता है और एक भाव भी 30 डिग्री का होता है। हाउस का भी ऐसे ही निकल के आ जाएगा और कस्प का भी साइन का भी ऐसे ही निकल के आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक चीज और लगा लेता हूँ, ये आपको दिख रहा है। जैसे यस सर, अब जो ये सेकंड हाउस है, फर्स्ट हाउस से लगन से देखो, लगन की जो डिग्री है वो 9 डिग्री है, जी तो D1 चार्ट में आपने देख लिया कि फर्स्ट हाउस में लगन में जो 9 डिग्री है तो वहां पे कौन सा नंबर साइन आएगा, तो आपने 30 से उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो वो होनेगा नहीं, क्योंकि 30 9 से ज्यादा है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां पे हम लिख देंगे 0 0। और एक फॉर्मूला आपने यूज करना है, जो भी यहाँ पे निकल के आए उसमें 1 प्लस करते रहना है, तो एक नंबर की जो साइन है वो आपकी फर्स्ट हाउस में आएगी कस्प चार्ट में, क्योंकि D1 से हमने कस्प को क्रिएट करना है, D1 चार्ट से कस्प को, कस्प चार्ट हमने मैन्युअली बनाना है। तो फिर हम आए सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस में फिर 30 से आपने आपने क्या करना है, और 30 से फिर डिवाइड करना है, तो यहाँ पे जो आएगा 31 जो है 30 आएगा निकल के, तो इसमें से जो शेष बचेगा वो 10 नंबर बचेगा, ठीक है। और आगे जो इसमें जो ये मिनट और सेकंड रहेंगे इनको नहीं छेड़ना आपने, ये सेम एज इट इज रहेंगे। तो निकल के आया हमारा जो भागफल है वो एक, एक में एक जोड़ देंगे तो आ जाता है 2, तो सेकंड हाउस में सेकंड नंबर का जो है साइन आएगा, टोरस साइन। और आगे जो डिग्रियां हैं उसको आप ऐसे लिख लेना, साइन यहाँ पे लिखेंगे, साइन जहां पे मैंने ये मेंशन कर रखा है, साइन डिग्री मिनट और सेकंड। जो शेष फल जो बच के आता है, जो शेष फल बच के आएगा वो वहां उसको एज इट इज हम
लिख देंगे, जो डिग्री आएंगी बच के, जो शेष फल जो होता है वो डिग्री और जो मिनट और सेकंड ये निकल के आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो 10 डिग्री सेकंड में, सेकंड हाउस में, यानी कि सेकंड हाउस के साथ साथ में जो डिग्री निकल के आई है वो कितने निकल के आए हैं, 10 डिग्री, यानी सेकंड हाउस जो चला हुआ है वो 10 डिग्री पे चला हुआ है। और वहां पे जो साइन है वो टोरस साइन आ गई सेकंड हाउस, अब थर्ड हाउस में हम आएंगे तो 30 को अगर 65 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 2 और 5 डिग्री दो बाकी। आएगा, ठीक है। तो 5 डिग्री उसकी जो बच गई और 5 मिनट और 11 सेकेंड वो अलग से लिख लेंगे। और जो यहाँ पे जो भागफल आया है वो 2 आया, 2 में हम +1 कर देंगे, तो थर्ड हाउस में जेमिनी साइन आएगी और जो हाउस कितने डिग्री चला हुआ है, 5 डिग्री, हाउस जो चला हुआ है वो 5 डिग्री चला हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ सर आपको आकाश जी? जी थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन है? नया लग रहा है क्या? हाँ जी जी मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको करा दूंगा, इसके लिए मैं स्पेशली आपको समझा दूंगा। नितेश जी और किसी को ओके कन्फ्यूजन है? नहीं। अब 3 नंबर का जो साइन है वो थर्ड हाउस में आ गया, जेमिनी साइन। और फोर्थ हाउस में कौन सा कस्प आएगा? तो फोर्थ हाउस को हम पहले यहाँ पे 3 से इसको करेंगे, गुणा करके देखेंगे, 30 या 90 आ जाता है। तो उसमें तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये 88 कम रह गई और 90 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 2 से ही करेंगे इसको और 2 में प्लस फिर 1 कर देंगे। तो 4 नंबर में भी 3 नंबर साइन आएगा कस्प चार्ट में, ठीक है। ओके तो शेष क्या बचा? शेष बचा 28 डिग्री, 28 डिग्री 43 मिनट 00 सेकेंड। जो हाउस चला हुआ है वो 28 डिग्री 43 मिनट्स और 00 सेकेंड फोर्थ हाउस चला हुआ है। ये जो है यहाँ पे आपने जो शेष बचे उसके नीचे डिग्री मिनट और सेकंड, मिनट और सेकंड को नहीं छेड़ेंगे, जो ये मिनट और सेकंड जो है वो सेम एज इट इज रहेंगे, आगे की डिग्रियाँ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और शेष फल जो बच के आए उसको डिग्री के नीचे लिखते जाना आपने। और जो कस्प साइन है वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता ही रहा हूँ। तो जैसे ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड है और ये फोर है, ठीक है जी। फिफ्थ नंबर में, 5 नंबर में आके फिर आप करो, यहाँ पे हम लेंगे 3, 3 प्लस 1 3+1 आ जाएगा यहाँ। तो फिफ्थ हाउस में कैंसर साइन आएगी। और 25 डिग्री चला होगा, जो हाउस है वो 25 डिग्री चला होगा, फिफ्थ हाउस 25 डिग्री 17 मिनट 42 सेकेंड चला होगा। अब यहाँ पे 4+6 हाउस के रिगार्डिंग
फोर प्लस वन करेंगे तो 5 नंबर की जो साइन आएगी वहां, और 6 नंबर में 28 डिग्री 49 मिनट और 38 सेकंड जो है हाउस चला होगा। अब 7th हाउस में सिक्स प्लस वन होगा मे बी, और जो 7th हाउस चला होगा वो 9 डिग्री 35 मिनट और 50 सेकंड। कौन से राशि गायब हो गई? सिक्स वर्गो सिक्स अभी आपका धन्यवाद कोई आपसे पूछे कि राशियां गायब कैसे होती हैं, तो जी सर। मैन्युअली आप किसी को भी आ सकते चुप करा सकते हो। तो प्रत्येक हाउस का आपको ये समझ में आ गया सर, आगे तक आप खुद निकाल लोगे। 12th हाउस के बारे में अटक जाओगे आप, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। यहाँ पे 12th हाउस को आप करोगे 30 से, तो वहाँ पे दस 10 आएगा, 10 प्लस 1 आएगा। ग्यारह बारह नंबर की साइन भी गायब है, ठीक जी है। और जो हाउस चला होगा वो भी आपने देखना है, वो 28 डिग्री वहां पे चला होगा। आवाज आते हैं इट रिमूव पर, कैसे देख, जब भी हम हीट चेक करेंगे किसी भी प्लेनेट का, प्लेनेट टू हाउस या प्लेनेट टू प्लेनेट, तो हम D1 चार्ट से चेक करते हैं। वो चार्ट आपका बन गया सर, सबसे पहले जो हमने हिट जो चेक करना होता है वो DBA में हम जाएंगे, कि DBA में जो महादशा अंतर प्रत्यंतर किस प्लेनेट की चली हुई है। तो यहाँ पे इस लड़के को जुपिटर की जो है महादशा मिली हुई है, तो किसी भी प्लेनेट के जो रिजल्ट ऑफर करता है वो उसका नक्षत्र लोड ऑफर करता है। अगर प्लेनेट यूटी यानी कि अनटेनेंटेड होगा तो अपने खुद के भी रिजल्ट ऑफर करेगा, साथ में नक्षत्र लोड के भी रिजल्ट ऑफर करेगा। और प्लेनेट का जो सब लोड है वो फाइनल डिसीजन दे देता है। तो ऐसे ही हम अगर चेक करेंगे तो इनकी जो महादशा और अंतरदशा चली हुई है जुपिटर मरकरी, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे जुपिटर और मरकरी। जुपिटर क्या दे रहा है यहाँ पे सर? नितेश जी 9 10 6 9 10 जी 5 और 10 चंद्रमा दे रहे हैं।
हाँ नहीं, हाँ ऐसा एनएल तो 5:10 दे रहा है, 10:5 दे रहा है, जी, 5:10 दे रहा है, सब लोड और इनका टू एनएल दे सेवन रहा है दे रहे दो हैं। सात, 2:27। हाँ, और बुध दे रहा है सर 11:34, फिर जी, एनएल दे रहा है 6:09, फिर यानी कि केतु कुल उसका मिला के स्क्रिप्ट बेस्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नौ आपने दस सब स्टार पे नहीं जाना है, ठीक है? अभी फिर फिलहाल यहाँ पे सब लोड तक पहुँचो, यहाँ पे ओवरऑल देख अच्छा है के सर, बताओ, ओवरऑल अच्छा है। ठीक है? लाइफ में देखो 5:10 क्या होता है, 5th हाउस मौज मस्ती होती है, 10th हाउस वर्किंग का भी होता है, कर्म कर्म भी होता है अपना, जी ठीक है, स्टेटस भी होता है, और 5th हाउस एक सॉल्यूशन भी होता है, या सट्टा, शेयर मार्केटिंग, ठीक है, या इन रिलेशनशिप जी आपका लव अफेयर्स वगैरह, या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हो सकता है, ठीक है जी। जी और हेल्थी रहेगा बंदा, जिम वगैरह भी लगाएगा, 5th हाउस हेल्थ को दर्शाता है, तो हेल्थ का भी कोई इशू इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं है। लेकिन ये हम चेक करेंगे, इतना सब कुछ होने के बाद में इसको तकलीफ कहाँ से आई, क्यों आई? तो नक्षत्र लोड चंद्रमा है, और मरकरी का जो नक्षत्र लोड है वो जुपिटर है। जी ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो जुपिटर यहाँ पे नक्षत्र प्लेनेट तो है ही, नक्षत्र लोड भी बन के आ गया। तो डीवन चार्ट में आप देखो, क्या वीनस का जुपिटर पे हिट है? जुपिटर पे कौन हिट कर सकता है? अपने से सप्तम भाव में देखेंगे हम 180 डिग्री का, जी एक बैड जुपिटर जो करेगा हमेशा जो बैड हिट होते हैं, 55 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का, 180 डिग्री का किलर हिट होता है। सर, एक बार रिपीट करेंगे सर, एक बार फोर्टी लिखा फाइव डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री का बैड हिट होता है। सबसे डेंजरस जो हिट होता है 180 डिग्री का होता है। अभी वीनस, आप सबको जो साइन है, साइन की जो डिग्री है मैंने नोट करा दी थी पहले, जी ठीक है? तो 12 नंबर की जो साइन है उसकी कितनी डिग्री है नितेश जी? अभी आज वाली अरे 12 नंबर पहले वाली की 360 28, 28। अच्छा टोटल, अच्छा मैंने सर, बताया, फर्स्ट नंबर आज की तो जो लिखा है साइन है, वो 0 से 30 डिग्री तक चलती है, तो हम 0 डिग्री जी, लेंगे उसकी। सेकंड नंबर की है 330 30 डिग्री लेंगे सर, लेंगे 12:12 की 330 जी, ठीक है? जी तो सर, और वीनस की कितनी डिग्री है यहाँ पे, सर 19 19। ठीक है? तो दोनों की डिग्रियाँ जोड़ दो, आह 349 ठीक है, 349। अब जुपिटर की देखो कितनी डिग्री है, 1 मिनट, जो 20 350 320 हाँ, और हाउस हाउस की कितनी डिग्री है सर? की 150 30 हाउस की नहीं सर, वो साइन की डिग्री है। चलो साइन की डिग्री नोट करो, 150 होगा ना प्लेनेट सर, प्लेनेट टू प्लेनेट हिट चेक करो पहले। 150 में अब 20 प्लस करो, कितना होगा? 170 170। अब 170 को उसमें से माइनस कर दो वीनस,
की जो निकल के आया है कंपाउंड डिग्री, वीनस की जो कंपाउंड डिग्री है उसमें से जुपिटर की डिग्री माइनस कर दो, 348 माइनस 170, कितना आया निकल के टोटल? 178 हीट हो रहा है सर। डेंजरस हीट है यस सर, मेरे हिसाब से, 179 का हीट आएगा। 178 आ रहा है जी। प्लस प्लस 8 लेते हैं ना सर, माइनस प्लस प्लस माइनस हाँ 8 प्लस लेंगे ना सर माइनस जी। 8 आएगा 180 डिग्री में, और 90 में आएगा 5 आएगा, प्लस 5 और माइनस 5, और 45 डिग्री में हम चेक करते हैं हीट में, 3 प्लस 3 माइनस। तो जुपिटर पे जैसे ही हीट आया तो कहाँ कहाँ से आया? 12th हाउस से लॉस, किस जी किस चीज़ का लॉस? सेकंड और सेवन, सेवन वाइफ की तरफ एंड से हीट, फैमिली, डाइवर्स हो जाएगा, पार्टनरशिप, वाइफ, मनी, बिजनेस, पार्टनरशिप, बिजनेस और 12th के एट्रीब्यूट्स, 12th के लॉसेस होंगे, एट्रीब्यूट्स, जेल यहाँ तक कि जेल तक भी जाना पड़ सकता है, के जाने के योग हो सकते हैं जी। ठीक है। जी और लोन एंड लिटिगेशन, 6th हाउस में जुपिटर बैठा है, वहाँ पे हिट हो रहा है, ठीक है। जी और जुपिटर किस किस हाउस को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है? 9th और 12th, यानी नाइन कि टेन जी पिता की तरफ से पिता को भी बर्बाद कर रहा है, साथ में इनका 12th हाउस ये खुद के लिए भी, 1st हाउस इनका लग्न का है ना, 12th किसको बर्बाद कर रहा है? खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं इनको। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, 180 डिग्री को, बैड हिट को सबसे पहले रिमूव करना होता है। अब जुपिटर को तो हम चेंज सब करेंगे, कंफ्यूजन है सब। वन सेवेंटी में से -49 करना, तो 121 120 का आस्पेक्ट आ गया। यस सर। नॉर्थ वेस्ट में क्या ऐसा उपाय करेंगे कि 120 का आस्पेक्ट आएगा? उपाय तो पता होगा ना सर, उपाय भी मैंने बताए हैं कितने, वीनस क्या ऑब्जेक्ट है वीनस के? परफ्यूम लेडी है, लग्जरी आइटम है, लेडी के फोटो, जी लेडीज आइटम है, बिल्कुल डायमंड्स बिल्कुल, है, पल्स है, हीरोइन की कोई इमेज भी वहां पे लगा दोगे तो भी वीनस है, ठीक एक्टर है। कलरफुल जितनी के जी। पेंटिंग्स हैं, ठीक है, या डेकोरेशन के जो आइटम्स हैं वो वीनस है। ड्रेसिंग टेबल, आरओ जो वाटर होता है उसको हम वीनस लेते हैं, वेट मशीन भी वीनस है, ठीक है सर। तो सबसे इजीली जो रहता है वो पेंटिंग रहती है कलरफुल, या फिर डियो, या कोई परफ्यूम, ब्रांडेड परफ्यूम है, नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे तो 120 का आस्पेक्ट आएगा जुपिटर पे। तो ये सभी सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये वो नॉर्थ वेस्ट में कहीं पे भी रख दें, या कोई स्पेसिफिक देवता फील्ड ऐसे कुछ बिल्कुल रहता है बिल्कुल, उस? वो आकाशजी जब मैं नक्षत्र वास्तु कराऊंगा ना आपको, तो उसमें मैं नक्षत्र देवता से, अभी एस्ट्रो वास्तु है, ओके ओके नक्षत्र वास्तु में नक्षत्र यानी कि जो प्लेनेट जिस नक्षत्र पे प्लेस्ड होगा उसके जो प्रॉपर देवता होंगे, उस देवता से भी उस चीज को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके हीट रिमूव होगा। एस्ट्रो वास्तु में तो प्लेनेट के देवता बताए हैं, लेकिन नक्षत्र वास्तु में जो प्लेनेट है प्रॉपरली क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा करवा दूं। ये जो 1st से लेकर 12th हाउस, इसमें जो नक्षत्र आप देख पा रहे हो ना, अकाजी, अश्वनी है, जी रोहिणी है, मृगशिर है, पुनर्वसु है, आश्लेषा, इन सब के अपने अपने देवता होते हैं, यानी कि इस बंदे के टोटल ही 12 12 देवता है, ठीक है। इनको चक्कर में पड़ने की जरूरत ही जी नहीं है। और फिर जो ये सब लोड होते हैं सर यहाँ पे, एसएल,
ये भी कहीं ना कहीं किसी नक्षत्र में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, जी तो वो भी देवता काउंट करेंगे। फिर यहाँ ओके पे आ जाते हैं, ये टोटल मिला के इनके देवता बन जाएंगे, निकलाएंगे, ठीक है। जी नितेश जी एक बार ग्रुप में देवताओं की लिस्ट सेंड कर दो, आकाश जी को क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। और आकाश जी हमेशा मैं आपको बता दूं, कभी भी वास्तु करने से पहले फर्स्ट हाउस को मजबूत करेंगे और फोर्थ हाउस को मजबूत करेंगे। फर्स्ट जी हाउस के जो नक्षत्र हैं उसके जो देवता हैं उसको एक्टिवेट बैलेंस करेंगे, फोर्थ हाउस के जो देवता हैं उसको बैलेंस करेंगे, तभी जाके वास्तु आगे वर्क कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जी देवता की जो लिस्ट है वो सेंड कर दो ग्रुप में एक बार, सर, ओल्ड वाला है मेरे पास ओल्ड वाला ही कर दो सर। जी सर। तो जो ये आपको हिट के लिए पता लग गया ना सर, कि हिट को कैसे रिमूव किया जाता है, ये ग्रुप में लिस्ट ये आ गई है। आपका कैलकुलेशन कैलकुलेशन कुछ अलग है जो मैं तो देखता था उसमें से एस्पेक्ट केपी सिस्टम एस्ट्रो स्विच के उसमें से देख के कैलकुलेशन हाँ वो कर लेते, पर ये आप, इस... हाँ उसमें से, क्योंकि ये सर मैंने मैन्युअली निकलवा दिया ना, आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ने की ना सर, मैंने तो आपको वो थ्योरी दे दी, आप तो मैन्युअली निकाल जी के बता दोगे ना किसी को भी। आपके सामने हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, आपके सामने ओनली D1 चार्ट खुला है किसी का, और किसी ने आपका एग्जाम ले लिया, तो वहां पे आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पत्रिका खोली किसी की भी, लगन चार्ट खोला, उसमें से कस्प तैयार किया, फिर उसकी हीट वगैरह नोट कर लिया आपने। ये मैन्युअली है, जी आजकल तो सॉफ्टवेयर का खेल चला हुआ है, उसमें से इजीली सबको पता चल ही जाता है सर। लेकिन सीखने का मतलब ये है ना, प्रॉपर जड़ का तो पता होना चाहिए ना कि कैसे स्टार्ट होता है। कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये कस्प, ये जो इसमें कस्प से साइन कैसे गायब हुए, अब तो ये नहीं बचा ना कि कोई पूछ ले आपसे और आप बता ना पाओ। जी अभी थोड़ा कंफ्यूजन है इस मेथड में, थोड़ा जी जी और सा मतलब दोबारा से फिर समझेंगे मैं इस... कराऊंगा काजी, बिल्कुल, क्योंकि आप देखो एक तरह से बिगिनर्स हो, और तकरीबन तकरीबन आज तक जो मेरे पास जितने आए हैं सभी प्रोफेशनल आए हैं, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर हैं और वास्तु आचार्य हैं, सभी प्रोफेशनल आते हैं, और ओके जिनकी सर प्रैक्टिस भी 25-25 20-20 साल की हो चुकी है। अभी आपका चार्ट लगा लेते हैं आकाश जी, इसमें फीड कर लेंगे, फिर आगे जो है आपके चार्ट पे काम होता रहेगा। जी डेट ऑफ बर्थ बोलना काजी, 71 21 01 05 1993 90 थ्री थ्री ओके, बट टाइम सर 11:15 AM 15 हाँ सुबह 11:15 और स्थान सर खेड़ ब्रह्मा गुजरात गुजरात, खेड़ ब्रह्मा हाँ खेड़ा, ये खेड़ है खेड़ ब्रह्मा ब्रह्मा, आगे यही ना। ये हाँ अभी देखो जैसे कि फर्स्ट हाउस में आपके कौन से देवता हैं, नाग देवता, यानी कि आपके लिए प्रॉपरली जो मैजिक करने वाले प्लेने सॉरी नक्षत्र देवता हैं कौन से हैं, नाग देवता। जी हर तरह से आपको बचाने वाले, हर क्षेत्र में आपकी मदद करने वाले वो नाग देवता हैं। अगर आपको ओके किसी
आपने किसी को अट्रैक्ट करना है तो नाग देवता आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे।